हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस टुडेज़ टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस इसके पहले हमने इंश्योरेंस के बारे में एक ओवरव्यू लिया था कि व्हाट द इंश्योरेंस इज़ ऑल अबाउट उसका मीनिंग क्या है और बेसिक टाइप्स उसके कौन कौन से आते हैं जिसमें हमने लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस किया था अब जो ये प्रिंसिपल आज हम पढ़ेंगे ये सारे के सारे प्रिंसिपल हर एक टाइप ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में एप्लीकेबल होते हैं वो चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो या फिर मोटर इंश्योरेंस हो या हेल्थ इंश्योरेंस हो या फायर इंश्योरेंस हो या फिर मरीन इंश्योरेंस हो जितने भी टाइप्स के इंश्योरेंस होते हैं सब में ये सारे प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल होंगे ये सारे प्रिंसिपल वहाँ पे होने चाहिए सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस में फर्स्ट प्रिंसिपल इज अटमोस्ट गुड फेथ अटमोस्ट गुड फेथ मीनिंग दैट देर शुड बी प्रॉपर ट्रस्ट बिटवीन द इंश्योर्ड एंड द इंश्योर ठीक है दोनों के बीच में प्रॉपर एक ट्रस्ट होना चाहिए ओके जस्ट सेकेंड आई विल जस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड टर्म्स दैट आर यूज इन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट पहला है इंश्योर इंश्योर मीन्स द पर्सन हु इज द पर्सन हु इज़ प्रोवाइडिंग द इंश्योरेंस सर्विस मतलब द इंश्योरेंस कंपनी द इंश्योरेंस कंपनी विल भी नोन एज द इंश्योर नेक्स्ट इज एश्योर्ड एश्योर्ड मीन्स द पर्सन हु इज़ गेटिंग इंश्योर्ड द इंश्योर्ड और एश्योर्ड बोथ हर सेम थिंग्स जिसका इंश्योरेंस करवाया जाएगा या फिर जो पॉलिसी खरीदेगा उस पर्सन को हम बोलते हैं इंश्योर्ड या फिर एश्योर्ड या फिर पॉलिसी होल्डर ही इज नोन एज द पॉलिसी होल्डर सो पॉलिसी होल्डर के बाद नेक्स्ट आपका टर्म आती है प्रीमियम प्रीमियम क्या है प्रीमियम इज दैट अमाउंट विच इज गिवेन इन द फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट्स टू द इंश्योरेंस कंपनी ठीक है प्रीमियम भरते हैं तभी जाके हमको मिलता है क्या मैचोर्ड अमाउंट एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट या फिर एल प्रीमियम अगर आप सबने सुना हो तो एल प्रीमियम क्या होता है छोटे छोटे अमाउंट्स हम भरते रहते हैं इन ऑर्डर टू गेट द मेच्योर्ड अमाउंट एट द टाइम ऑफ द डेथ ऑफ द पर्सन ठीक है पॉलिसी पॉलिसी क्या होता है पॉलिसी इज़ नथिंग बट द पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट ठीक है जिस कॉन्ट्रैक्ट में इंश्योर और इंश्योर्ड दोनों आएंगे ठीक है और उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होंगी किसी भी एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की कि टाइम uh, वैल्यू क्या है टाइम कब तक के लिए पॉलिसी है कितना कितना अमाउंट भरना है प्रीमियम के तौर पे और मेचोरिटी टाइम पे कितना अमाउंट मिलेगा ठीक है जिस भी डॉक्यूमेंट में ये सारी कंडीशंस लिखी होंगी दैट विल बी कॉल्ड एज पॉलिसी नेक्स्ट विल बी योर सब्जेक्ट मैटर सब्जेक्ट मैटर इज व्हाट जिस चीज़ का हम कराते हैं इंश्योरेंस ठीक है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर जैसे एल के केस में लाइफ इज़ योर सब्जेक्ट मैटर एल के केस में लाइफ इज़ योर सब्जेक्ट मैटर ठीक अगर फायर इंश्योरेंस का करा रहे हैं ठीक है इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस सो जो आपकी प्रॉपर्टी हो गई ठीक है योर प्रॉपर्टी या फिर जो आपके गुड्स हो गए दैट विल बी योर सब्जेक्ट मैटर ठीक जिस चीज़ का कराओगे इंश्योरेंस उसको बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर नेक्स्ट इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट ठीक है इंश्योरेबल इंटरेस्ट मीन्स की पॉलिसी होल्डर यानी जो कस्टमर है मतलब द एश्योर्ड पर्सन उसका कुछ ना कुछ वहाँ पे इंटरेस्ट होना चाहिए मतलब वो किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट अपनी जो जो इंश्योरेंस करा रहा है उसमें कोई ना कोई वैल्यूबल चीज़ उसकी होनी चाहिए देर शुड बी अ प्लाजिबल इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिसी होल्डर नेक्स्ट है आपका इंश्योरेबल रिस्क ठीक है इंश्योरेबल रिस्क मीन्स दैट कि देर इज ऑलवेज अ रिस्क केस ऑफ एनी फ्यूचर अनसर्टेनिटी ठीक है अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आरइज हो गई या फिर कोई रिस्क ऐसा हो गया जहाँ पे आप uh, उसको कवर अप करने के लिए एलिजिबल नहीं है या फिर उसको कवर अप करने के लिए यू आर नॉट दैट मच स्ट्रांग इस केस में क्या होता है कि यू गेट इन टू द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आप इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट मेंटर करते हैं और वहाँ से फिर पॉलिसी आप परचेज करते हैं टू प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट सम लॉसेज या फ्यूचर रिस्क सो दीज ऑल आर द बेसिक टर्म्स दट आर यूज इन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट नाउ आई विल जस्ट ट्राई टू येस अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी क्योंकि हमने टर्म्स जो हैं जो बेसिक यूज होती हैं इंश्योरेंस में वो सारी हमने पढ़ ली हैं सो बोध द पार्टीज द इंश्योर्ड एंड द इंश्योर शुड शुड हैव गुड फेथ टूव ईच अदर ठीक है यहाँ पे कहने का मतलब क्या है इंश्योर्ड मतलब इंश्योरेंस कंपनी ठीक है इंश्योर्ड इज नथिंग बट द इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर कौन सॉरी इंश्योर्ड इज द पॉलिसी होल्डर एंड इंश्योरेंस इंश्योर इज द इंश्योरेंस कंपनी एंड इंश्योर्ड इज द पॉलिसी होल्डर हे इज द पॉलिसी होल्डर सो देयर शुड बी अ गुड फेथ बिटवीन बोथ द पार्टीज अगर गुड फेथ नहीं है ट्रस्ट नहीं है तो वो फिर कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे एलिजिबल नहीं होगा इन सच केस द इंश्योरर मस्ट प्रोवाइड द इंश्योर्ड कंप्लीट करेक्ट एंड क्लियर इंफॉर्मेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर जो भी इंश्योरर है मतलब द इंश्योरेंस कंपनी इट हैज़ टू प्रोवाइड द पॉलिसी होल्डर द कंप्लीट इंफॉर्मेशन कुछ भी यहाँ पे छुपाना नहीं है ठीक है चाहे वो इंश्योरेबल uh, इंटरेस्ट uh, के फॉर्म में हो चाहे पेमेंट का uh, जो रिस्क uh, जो प्रीमियम आप पे करेंगे उसकी बात हो या मैच्योर अमाउंट की बात हो या फिर टाइम ऑफ मैच्योरिटी की बात हो वहाँ पे कोई भी चीज़ आपको हाइड नहीं करनी है ठीक ऑल शुड बी डिस्कलोज टू द एश्योर्ड पर्सन या फिर इंश्योर्ड पर्सन नेक्स्ट इज द इंश्योरर मस्ट प्रोवाइड द इंश्योर्ड कम्प्लीट करेक्ट एंड क्लियर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द टर्म्स एंड कंडीशन्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ठीक है पहला तो वही हो गया कि सब्जेक्ट मैटर के बारे में पूरी नॉलेज उसको बता देनी चाहिए टू द कस्टमर या पॉलिसी होल्डर उसके बाद से इंश्योरेंस कंपनी को पेमेंट और पेमेंट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन्स मतलब कि किन किन कंडीशंस में कैसी पेमेंट के लिए आप एलिजिबल हैं उसके बारे में भी पूरी की पूरी जानकारी इंश्योरेंस कंपनी को देनी चाहिए टू द कस्टमर टू द इंश्योर्ड पर्सन एंड नेक्स्ट इज दिसंसिपल इज एप्लीकेबल टू ऑल द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस दट इज लाइफ फायर इंश्योरेंस एंड बरीन इंश्योरेंस ठीक है ये प्रिंसिपल जो है हर एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए एप्लीकेबल है चाहे वो किसी भी तरह का इंश्योरेंस कराया जाए नेक्स्ट इज योर इंश्योरेबल इंटरेस्ट ठीक द इन्श्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस जो पर्सन इंश्योरेंस करा रहा है यानी द कस्टमर ठीक उसका सब्जेक्ट मैटर में सब्जेक्ट मैटर कुछ भी हो सकता है लेट से हमने कार इंश्योरेंस कराया है ठीक तो यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर क्या है सब्जेक्ट मैटर इज़ द कार और सब्जेक्ट मैटर में हमारा इंटरेस्ट है हमको पता है कि हमारी प्रॉपर्टी है तभी तो हम उसका इंश्योरेंस करा रहे हैं कि वी आर प्रोटेक्टिंग इट अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ डैमेज ठीक इन लाइफ इंश्योरेंस इट रिफर्स टू द लाइफ इंश्योर्ड यस इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जहाँ जो हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है वो लाइफ लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि हम लाइफ को वहाँ पे एज अ सब्जेक्ट मैटर मान के चलते हैं इन मरीन इंश्योरेंस इट इज़ इनफ इफ द इंश्योरेबल इंटरेस्ट एग्जिट्स ओनली एट द टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ द लॉस कह रहे हैं कि मरीन इंश्योरेंस में जो भी आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो तब काम आता है जब लॉस एक्चुअली आपको होता है मतलब जो भी आपका सामान जा रहा होता है जो भी कार्गो आपका होता है जब वो स्पॉयल हो जाता है या डैमेज हो जाता है किसी भी तरीके से देन योर इंश्योरेबल इंटरेस्ट कम्स इन टू प्ले इन फायर एंड जनरल इंश्योरेंस इट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी एंड ऑल्सो एट द टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ द लॉस फायर में और जनरल इंश्योरेंस में जनरल इंश्योरेंस में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी ऑल द इंश्योरेंस अदर देन लाइफ ठीक है लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के बाकी जितना भी इंश्योरेंस होगा ऑल विल बी दार्ट ऑफ जनरल इंश्योरेंस ठीक है सो so, यहाँ पर कह रहे हैं कि फायर uh, इंश्योरेंस में और जनरल इंश्योरेंस में वी आर हैविंग द इंश्योरेबल इंटरेस्ट एट टू टाइम्स जब हम पॉलिसी में एंटर करेंगे जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे और जब हमको एक्चुअल में लॉस होगा तब द ओनर ऑफ द पार्टी इज सेड टू हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट एज लॉन्ग एज ही इज़ द ओनर ऑफ इट जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था जैसे मान लीजिए कि मैंने कार इंश्योरेंस कराया है सो जब तक वो कार मेरे पास है ठीक तब तक मेरा उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट रहेगा अगर मैंने वो कार किसी और को सेकेंड हैंड में बेच दी है उसके बाद से आई डो नॉट केयर ठीक है वो कार किसके भी पास है वो अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट उसमें चला गया है अब मेरा वहाँ से कोई लेना देना नहीं है इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस अगेन दिस इज़ द प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल इज़ एप्लीकेबल टू द ऑल काइंड ऑफ इंश्योरेंस नेक्स्ट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इंडिमनिटी

ठीक है सो यू विल गेट पेमेंट फॉर इट अगर आपको लॉस होता है तो उसका खर्चा जो है उसकी जो भरपाई है हम कर देंगे ठीक है तो इट इज़ अ काइंड ऑफ़ इंडेम्निटी इसको बोलते हैं इंडेम्निफाई करना अगर किसी पर्सन को लॉस हो रहा है और कोई दूसरा पर्सन गारंटी लेता है कि अगर आपको घाटा होता है तो उसकी भरपाई हम करेंगे वी विल प्रोवाइड द पेमेंट फॉर योर लॉस सो इट मीन्स दैट यू आर इंडेम्नीफाइंग दैट पर्सन ठीक है सो so, यहाँ पे क्या है इंडेम्निफाई कौन करता है द इंश्योर इंडेम्निफाई होता कौन है द इंश्योर्ड ठीक है इट इज़ एप्लीकेबल टू द फायर मरीन एंड अदर जनरल इंश्योरेंस ठीक है अंडर दिस द इंश्योर अग्रीज टू कंपनसेट द इंश्योर्ड फॉर द एक्चुअल लॉस सफर्ड ठीक है इंश्योर यहाँ पे कंपनसेशन के लिए तैयार होता है किसके लिए इंश्योर्ड के लिए और वो लॉस का पेमेंट कितना होगा जो कि रियल में लॉस हुआ है ठीक अगर लेट से दो लाख के गुड्स बर्बाद हुए हैं सो दो लाख तक का ही पेमेंट उसको मिलेगा ठीक है उसके उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता सो इट इज़ अ काइंड ऑफ इंडेमनीफिकेशन ठीक यू आर गारंटिंग द अदर पर्सन टू पे फॉर हिज लॉसेस, अगर वो लॉस झेलता है तो नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन The principle of contribution is corollary to the principle of indemnity. Corollary means It is a supporting type of document. Yeah, a supporting type of principle. Under this, the principle insured can claim the compensation only to the extent of actual loss, either from any one insurer or the other insurers. कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास लेट से फिफ्टी थाउजेंड के गुड्स थे और आपने उसका इंश्योरेंस करा लिया है बट आपने इंश्योरेंस एक पार्टी से ना करा करके दो जगह से करा रखा है ठीक है इन सच केस आपको इंश्योरेंस अमाउंट जो होगा एक ही जगह से मिलेगा ना कि दो जगह से ठीक है जो भी आपको लॉस होगा आप उसका रिकवर आप उसका आ, रिकवर जो है एक इंश्योरेंस से कर सकते हैं अलग अलग इंश्योरेंस अमाउंट नहीं ले सकते यहाँ पे सो इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन एज पर द प्रिंसिपल आफ्टर द इंश्योर्ड इज कंपनसेटेड फॉर द लॉस ड्यू टू डैमेज टू द प्रॉपर्टी इंश्योर्ड देन द राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ सच पार्टी प्रॉपर्टी पासिस इंश्योर ठीक है कह रहे हैं कि आ, आ, अगर इंश्योर्ड कंपनसेटेड है किसी भी लॉस के लिए ठीक मतलब जैसे कि मान लीजिए कि हाउस का इंश्योरेंस करा रखा था या फिर कार का इंश्योरेंस करा रखा था ठीक एंड इन केस अगर लॉस हो जाता, यस इन केस अगर लॉस हो जाता है ऑफ़ एनी प्रॉपर्टी ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन तो उसका कंपनसेशन प्रोवाइड कराने के बाद ठीक आफ्टर द कंपनसेशन इज़ प्रोवाइडेड टू द पर्सन is सफरिंग द लॉस आई मीन द इंश्योर्ड पर्सन जो भी गुड्स का टाइटल होगा ownership का टाइटल होगा वो इंश्योरेंस कंपनी को मिल जाएगा दोबारा समझो कैसे होता है अगर मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं वही कार इंश्योरेंस का अगर मैंने कार इंश्योरेंस कराया ठीक और मेरी कार जो है किसी एक एक्सीडेंट में पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है मुझको इंश्योरेंस अमाउंट मिल जाएगा क्योंकि मैंने करा रखा था इंश्योरेंस बट जैसे ही मुझे कंपनसेशन मिलेगा जो ओनरशिप होगी उस कार की उस डैमेज कार की वो अनडिफाइंड टर्म्स में इंश्योरेंस कंपनी को पहुंच जाएगी मतलब अब जो ओन जो कार uh, पे जो राइट होगा ओनरशिप का वो इंश्योरेंस कंपनी का होगा ना कि मेरा होगा ठीक है ये जो प्रिंसिपल uh, है इट इज़ अगेन इन अनडिफाइंड टर्म्स ठीक है किसी किसी इंश्योरेंस कंपनी में So, 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 किसी किसी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में ये प्रिंसिपल जो है वो नहीं होता है बिकॉज इट इज अगेंस्ट द ओनरशिप ऑफ द एश्योर्ड पर्सन दिस प्रिंसिपल इज कॉरोलैरी टू द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी एंड इज़ एप्लीकेबल टू द ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमिनिटी ठीक जहाँ जहाँ इंडमनिफिकेशन की बात होगी वहाँ वहाँ पर सपोर्गेशन भी अप्लीकेबल होगा प्रिंसिपल ऑफ लॉस ऑफ मिनिमाइजेशन अंडर दिस प्रिंसिपल इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द इंश्योर्ड टू टेक ऑल पॉसिबल स्टेप्स टू मिनिमाइज द लॉस टू द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी ऑन द हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन ईवेंट ठीक है इस प्रिंसिपल के हिसाब से एश्योर्ड पर्सन की पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसे स्टेप्स उठाए या फिर ऐसा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट परचेज करे जहाँ पर उसके सारे लॉसेज जो हैं कम से कम उसको नुकसान पहुंचा पाए ठीक है देर शुड बी मिनिमम लॉस मतलब वो चाहे तो तीन चार इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर कर सकता है लेकिन अगेन मैंने कहा कि पैसा जो होगा रिकवर होगा एक ही इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट से ठीक है उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम देर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ डबल इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस उसके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे एंड इन द लास्ट इट इज़ प्रिंसिपल ऑफ कॉज अ प्रॉक्सीमा प्रॉक्सीमा इज़ बेसिकली प्रॉक्सीमिटी से बना है और प्रॉक्सीमिटी मतलब होता है नियरनेस किसी चीज़ की नज़दीकी ठीक है लेट्स अंडरस्टैंड क्या होता है ये द लॉस ऑफ इंश्योर्ड प्रॉपर्टी कैन बी कॉज बाय मोर देन वन कॉज इन सक्सेशन टू एनअदर यस एग्जैक्टली कहने का मतलब ये है कि अगर लॉस हुआ ठीक तो उसके नंबर ऑफ कॉज भी हो सकते हैं ठीक हो सकता है कि उसी दिन अर्थक्वेक भी आ गया हो और उसी दिन बगल में शॉर्ट सर्किट से फायर भी लग गई हो ठीक उसी दिन किसी ने आ, किसी की रॉबरी भी होगी हो किसी के गोडाउन में ठीक है सो इन सच केस जो भी नियर बाई कॉज होगा नियर बाई कॉज मतलब जो भी इन्वेस्टिगेशन की बात जो भी पता लगेगा कि हाँ जो रिसेंट कॉज क्या था अगर मान लीजिए गोडाउन में रॉबरी uh, भी हुई है और साथ ही साथ शॉर्टकट शॉर्ट सर्किट से आग भी लग गई है ठीक इन सच केस डिफाइन किया जाएगा कि नियर बाय कॉज क्या था मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉज क्या था रॉबरी या फिर फायर द प्रॉपर्टी केस में भी इंश्योर्ड अगेंस्ट सम कॉजेज एंड नॉट अगेंस्ट ऑल कॉजे कुछ कॉज के लिए पैसा मिल जाएगा लेकिन हर एक कॉज के लिए आपको पैसा नहीं दिया जाएगा इन सच एंड इंस्टेंस द प्रॉक्सीमेट कॉज और द नियरेस्ट कॉज ऑफ लॉस इज़ टू बी फाउंड आउट ठीक है जो नियर बाई कॉज जो था लॉस का उसके बारे में इन्वेस्टिगेट किया जाएगा एंड द इंश्योरेंस कंपनी विल ट्राई टू फाइंड आउट इफ द अप्रॉक्सीमेट कॉज इज़ द वन विच इज़ इन्श्योर्ड अगेंस्ट द इंश्योरेंस कंपनी इज बाउंड टू पे द कंपनसेशन इन वाइस ऑफरसा ठीक है कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए वही एग्जाम्पल लेते हैं गोडाउन में शॉर्ट सर्किट से आग भी लग गई और ऑबरी भी हो गई ठीक है hmm. सो so, इन्वेस्टिगेशन की बात पता लगता है कि जो नियर बाय कॉज था वो फायर था ठीक है रॉबरी से जो घाटा हुआ है वो रियल में दैट वाज अ काइंड ऑफ नॉन अप्रोप्रिएट लॉस सो so, उस केस में क्या होगा कि अगर फायर इंश्योरेंस आपने ले रखा है और इंश्योरेंस कंपनी ने आपके साथ फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीमेंट किया है सो so, आपको फायर इंश्योरेंस के हिसाब से पूरा पूरा पैसा वहाँ मिल जाएगा अगर वहीं पता लगा कि रॉबरी कॉज था फायर कॉज नहीं था इन दैट केस इंश्योरेंस कंपनी से आपको कुछ भी पैसा कुछ भी अमाउंट नहीं मिलेगा ठीक है सो दीज बर मेन प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस इन केस इफ यू एनी डाउट यू कैन जस्ट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और इन द व्हाट्सएप ग्रुप एंड फॉर द टाइम बींग थैंक यू